हाय, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं इंग्लिश भाई। अभी स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हम अपनी लाइफ में कहते हैं ना, मेरे पास वो चीज थी, मेरे पास ये चीज थी। पता है तुझे, मेरे पास वो चीज है, पता है मुझे, मेरे पास वो चीज थी। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं? देखो, या तो कोई चीज होती है या कोई चीज होती थी, मतलब कोई चीज हमारे पास थी या फिर है। इन दो तरह के सेंटेंसेस को बस बिल्कुल इजी होता है, ऐसे फॉर्मेट होते हैं। प्रेजेंट में तो कहेंगे तो ये होगा कि वो चीज मेरे पास है, अभी भी है, या फिर वो नहीं है तो कोई मेरे पास ना वो चीज थी। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? पहले तो एग्जांपल, फिर रूल्स तो बिल्कुल सिंपल हैं। जिसने भी मैंने टेंस करवाए ना, जितने वो अच्छी तरह प्रिपेयर किए होंगे, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है। क्यों, आई वी यू द प्लूरल के साथ हैव, और ही शी टेन नेम सिंगुलर के साथ हैज। मतलब हमारे पास कोई चीज है तो कहेंगे आई हैव, ओके, और कोई चीज थी तो बोलेंगे आई हैड। बस इतना ही है, वेरी सिंपल। कि कोई चीज है हमारे पास, सॉरी, जैसे ये मेरे पास पेन है तो मैं कहूंगा आई हैव अ मार्कर, और मैं, मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड ए मार्कर। बस सिंपल है। ओके, सो ये तो जो मैंने पीछे करवाया है सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग बड़ी सिंपल है। आपको फिर भी रिपीट कर देता हूं एक बार। आई वी यू द प्लूरल के साथ हैव, आई वी यू द प्लूरल हैव, आई वी यू द प्लूरल हैव, आई वी यू द प्लूरल हैव, ही शी एनी नेम सिंगुलर हैज, 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 और आई वी यू द प्लूरल हैड। और हैड जो है पास्ट परफेक्ट में, ये हैड ही है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि अपने टेंसेस की आपको क्लियरली पता है कि पास्ट में जो होता है परफेक्ट हैड ही होता है। तो हैड अकेला है यहाँ पे, तो सबके साथ हैड ही आएगा। आई वी यू द प्लूरल हैड, और ही शी एनी नेम सिंगुलर हैड, सबके साथ है। हैज हैव प्लस नाउन, हैड प्लस नाउन, मतलब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हैज हैव के प्लस नाउन और इसके साथ भी नाउन। ओके, सो मेरे पास एक बाइक है। अब एग्जांपल देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक है, ओके, आई हैव अ बाइक। बट लेकिन मैं कहूंगा मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक। बस दोनों तरफ जो सेंटेंसेस लिखे हैं दोनों सेम हैं। ये मेरे पास चीजें थी और ये चीजें हैं, सेम चीजें मेरे पास जो थी, सेम चीजें जो मेरे पास हैं वो अब थी, अब वो पास्ट में चली गई, अब नहीं है। तो इस तरह से मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, और मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक। फिर मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, और मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, अब नहीं है, मैंने बेच दी। मेरे पास एक डायमंड है, या फिर कोई, यार मेरे पास ना एक डायमंड था, आई हैड अ डायमंड। इस तरह से ये मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है, अभी है तो ये करेगा ना भाई, अच्छा बिजनेस है अपने पास तो, चल रहा है काम, बढ़िया है सब, पैसे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कोई किसी का बिजनेस फ्लॉप हो गया, वो क्या कहेगा? यार मेरे पास ना बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत पैसे बनते थे, बहुत ऐसा था, बहुत पैसे था। तो आई हैड अ बिजनेस, आई हैड अ गुड बिजनेस, आई हैड अ गुड बिजनेस, अब नहीं है, तो है और अब था। ओके, मेरे पास बहुत पैसा है। एक तो मैं कहूँ मेरे पास बहुत पैसा है, यार बहुत रिच हूं मैं, पैसे की कमी नहीं, बहुत पैसा है। आई हैव इनफ मनी, या अ लॉट ऑफ मनी ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कहते हैं आई हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा था, अब नहीं है, ठीक है। सो आई हैड इनफ मनी। अब ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी कारें हैं। एक तो मैं दिखाऊं मेरे पास हैं, तो मैं कहूंगा मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, तो कहेंगे आई हैव मैनी कार्स। लेकिन वही चीजें, जब मेरे, मतलब पुरानी मेरे पास कारें थी लेकिन बेच दी, पैसों की जरूरत पड़ी, या कैसा भी कुछ सिचुएशन समझे, तो आई हैड, मेरे पास बहुत सारी कारें थी, आई हैड मैनी कार्स। ओके, इसी तरह से मेरे पास, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब नहीं है, तो नहीं है तो क्या कर? मतलब सिचुएशन बता रहा हूं कि अब मेरे पास, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना, है, लेकिन यहाँ पे एक बार दिखाने के लिए कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। सो कोई भी चीजें, आप कोई भी चीजें ले लो, कि अगर आपके पास वो चीज है तो कह दोगे आई हैव, और आपके पास थी तो आई हैड। और इसमें थोड़ा सा ये बता दो कि जैसे आई आई अपने बारे में कर रहे हैं, आई हैड ए, आई सॉरी, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए बाइक। सो किसी और के लिए करना हो तो ही हैज ए कार, अभी इसी को सब में ही लगाते हैं, ही हैज ए बाइक, ही हैज ए कार, ही हैज ए डायमंड। आई को हटा दिया, ही लगा दे, ही लगाएंगे तो हैज लग जाएगा, है हट के हैज लग जाएगा। ही हैज ए डायमंड, ही हैज ए गुड बिजनेस,
उसके उसके पास बहुत पैसा था, पैसा है उसके पास, ओके okay? तो उसके पास ही लगेगा, ही हैज इनफ मनी। उसके पास बहुत सारी कारें हैं, ही हैज मैनी कार्स। उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। कोई नाम भी ले लें तो यहाँ पे राकेश लिख देंगे, राकेश हैज, सॉरी एनी नेम सिमिलर, सो राकेश हैज मैनी बाइक, राकेश हैज अ बाइक, मेरे राकेश के पास एक कार है, राकेश हैज अ कार, तो राकेश के पास एक डायमंड है, राकेश हैज अ डायमंड, मेरे राकेश के पास एक अच्छा बिजनेस है, राकेश हैड राकेश हैव अ गुड बिजनेस। तो ये हटा हटा के दूसरा भी लगा सकते हैं। आई का तो मैंने सिंपल है ना, इसलिए एग्जाम्पल दिया कि बहुत सिंपल है, तो आई लगा लो, क्योंकि मोस्टली हम अपने बारे में बताते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, किसी दूसरे की तो बहुत कम ही बात करते हैं कि उसके पास वो है। तो ये कहेंगे उसके पास 5 फ्लैट्स हैं, तो कहेंगे ही हैज 5 फ्लैट, ओके। सो मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, तो उसके पास बहुत सारी कारें हैं, ही हैव सॉरी ही हैज मैनी कार्स, मेरे पास उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। इसी तरह से ये भी आप हटा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ भी हटाओगे तो हैड ही लगेगा। क्यों लगेगा? लॉजिक ये है कि हैड ही है, जो हैड है तो इसमें ही लगाओ, शी लगाओ, आई लगाओ, वी लगाओ, यू लगाओ, दे लगाओ, प्लूरल लगाओ, इट लगाओ, एनी नेम लगाओ, सिंगुलर लगाओ, सबके साथ हैड ही आएगा। क्यों? क्योंकि हैड है। पास्ट में सिर्फ हैड ही लगता है, पास्ट में कोई चीज मेरे पास थी या तुम्हारे पास थी, यू हैड या वी हैड, दे हैड, सबके साथ हैड लगेगा, क्योंकि पास्ट में हैड ही लगता है कि कोई चीज का होना, कि मेरे पास ये चीज थी। और प्रेजेंट में है, उसमें दो हैज और हैव, तो ये रूल्स है कि आई वी यू द प्लूरल के साथ हैव और ही शी एनी नेम सिंगुलर के साथ हैज। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी का हैड तो हैड लगेगा। मुझे लगता है मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाओ, उसे प्रिपेयर करो, और ये बहुत सिंपल है कि मेरे पास कोई चीज है तो मैं कह दूंगा आई हैव अ मोबाइल, लेकिन कहेंगे मेरे पास एक मोबाइल था, सो आई हैड अ मोबाइल। बस कुछ भी लगा लो, सपोज करो आपके पास एक वो कौन सी बाइक होती है, नाम भूल गया, चलो कुछ भी, तो कहेंगे आई हैव अ बुगाटी, मीन्स कार जो तकरीबन 12 करोड़ की तो होगी, सो आई हैड बुगाटी, आई हैव अ बुगाटी, बट आई हैड अ बुगाटी, क्योंकि वो 12 करोड़ की थी, मुझे 10 करोड़ की जरूरत थी, मैंने बेच दी, 10 में नहीं, 9 में बेच दी, 9 करोड़ में, ओके। सो आई हैड अ बुगाटी। और इसी तरह से हार्ले डेविडसन की बाइक की बात करें तो वो भी कहेंगे कि मतलब 10-12 लाख की तो होती है इनिशियल, फिर 18 लाख, ऐसे ऐसे प्राइसेस है। तो आई हैड सॉरी आई हैव हार्ले डेविडसन, और आई हैव हार्ले डेविडसन, और यहाँ क्या बोलेंगे, आई हैड थी, अब नहीं है, आई हैड हार्ले डेविडसन, राइट। सो जो चीज हमारे पास है तो उसको ये हैज हैव में बोल देंगे, जो चीज हमारे पास थी तो उनको इसमें बोल देंगे। और रूल रूल बिल्कुल सिंपल है, टेंसेस जिसने की है उसको पहले से ही पता है कि किसके साथ हैज हैव आएगा और किसके साथ हैड, तो सबके साथ आएगा, क्यों? क्योंकि पास्ट में हैड ही लगेगा, है ही नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही हैड है, तो सबके साथ हैड लगाने पड़ेगा, चाहे आई वी यू द प्लूरल कुछ भी हो, ही शी एनी नेम सिंगुलर कुछ भी हो, तो सबके साथ हैड लगेगा। देखो आई वी यू द प्लूरल के साथ हैड और ही शी एनी नेम सिंगुलर के साथ भी हैड, दोनों के साथ हैड ही लगा है, क्या करें, है ही नहीं, एक ही है, लेकिन इनके साथ हैज हैव लगता है, ओके। सो ये कंप्लीट, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बाकी रहा हो, ये प्रेजेंट, इसलिए मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट में मेरे पास कुछ था तो मैं सारी चीजें, यही कि ये की ये सेंटेंस इधर ही है, सेम टू सेम, और वो प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट में मेरे पास कुछ था तो पास्ट में हो गया, और रूल्स रूल्स वैसे यही है, और ये रूल्स लोगों को पहले ही पता है, लोगों मीन्स इन द सेंस, और जिसने प्रिपेयर किया है, जिसको पता है तो ऑलरेडी है, बस ये समझ ली बात, आई हैव और आई हैड, आई हैव और आई हैड, आई हैव आई हैड, आई हैव आई हैड, ओके कंप्लीट। सो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फॉर्मेट रहेगा, सिंपल बिल्कुल इजी, क्लियर।